नहीं, बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस तो इस मामले में लीपापोती कर रही है। जितना जघन्य अपराध हुआ ये, और जो उसकी अगर आपने सारी चिट्ठी जो पढ़ी, उसके अंदर जो बयान दिया गया है कि किस तरह गुप्तांगों के साथ बर्बरता दिखाई गई थी, मतलब वहशीपने का अगर कोई उदाहरण सामने आता है तो निर्भया के बाद ये वाला आता है। प्रश्न ये है कि जिन पुलिस अधिकारियों ने एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, उनके खिलाफ राज्य की सरकार ने क्या कानूनी कार्रवाई करी? कुछ नहीं करी। अभी भी वही लोग जांच कर रहे हैं जो खुद गुनाहगार हैं इस सारे में देर करने के और उनको बचाने के। जब जांच उनके हाथ में होगी तो क्या न्याय होने वाला है? इस केस के अंदर ऐसी ऐसी चीजें छोड़ दी जाएंगी। अभी आपने बताया कि महिला की मां ने आपको तो वस्त्र आप दिखवाए, चाह रहे हैं कि इस कि मामले की ये जांच कोई वस्त्र दूसरी मुझे अपने एजेंसी अभी करे या बॉडी हमने सीधे देखी सीधे थी, कहे मैं तो ये सीबीआई वस्त्र करे? धोए थे। बिल्कुल दूसरी एजेंसी करे, और सबसे पहले पूरे थाने का निलंबन होना चाहिए। एसपी को अगर पता था तो एसपी का निलंबन होना चाहिए, सीओ को पता था सीओ का निलंबन होना चाहिए। ठीक है, अगर ये राज्य सरकार एफआईआर जंगल के लिए राज दिया जो गया, चल ये रहा है उसको प्रार्थना पत्र रोकना हमारे चाहती पास है, मौजूद है, उसके रेखा जी प्रति भी हमारे जंगल साथ राज की मौजूद है, प्रति गंभीर कानून है। क्या कहता है, एफआईआर नहीं लिखने वालों के खिलाफ भी क्या कार्यवाही होनी अच्छा, चाहिए? प्रार्थना नवल जी पत्र से इस पर क्यों होना जवाब चाहिए लेते हैं, था? छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।